हाय फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ ब्रेड मिल्क से स्वीट रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रहेगा ये रेसिपी, झटपट बन जाता है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से उबाल कर थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने लिया है काजू और बादाम, दोनों को इसमें ऐड किया है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और इसको अच्छे से उबाल के हम इसको कम कर देंगे, आधा क्वांटिटी कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची को क्रश करके डाला है फ्लेवर के लिए। चीनी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है। 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चीनी, इसको हम मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए दूध हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। इसको हम यहीं पर गैस को हम बंद कर देंगे। बस इतना ही हमें इसको सुखाना था। यहाँ पर ढक के हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे दूध को। यहाँ पर ब्रेड पीसेस लिया मैंने, इसका साइड से जो कोना है इनको निकाल देंगे काट के। और इसको हम इस तरह से छोटे पीस कर लेंगे। किसी भी शेप में आप लोग इसको काट सकते हैं। यहाँ पर पैन हीट कर मैं इसको गर्म कर रही हूँ। दोनों साइड से हल्का लाइट ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्रेड का कच्चापन नहीं रहेगा और टेस्टी भी रहेगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दूध उबाला था उसको अब मैं डाल रही हूँ। फर्स्ट मैंने 1 लेयर ब्रेड का लगाया है। मैं यहाँ पर 3 लेयर लगा रही हूँ। 3 लेयर से मैं ब्रेड का बना रही हूँ। यहाँ पर मैं फिर से जो उबला हुआ दूध है ड्राई फ्रूट से इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिलाएंगे और फिर से 1 लेयर लगाएंगे ब्रेड से। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर लगा दिया है। ऊपर से फिर से मैं मिल्क डाल रही हूँ। ये रेसिपी बहुत अच्छा होता है, इंस्टेंट बना सकते हैं इसको और बच्चों को या किसी को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 ब्रेड स्लाइस से मैं फिर से बना रही हूँ एक अलग से। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे इस तरह से बनाकर, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पर टूटी फूटी था मेरे पास में, मैं उससे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट आता है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट बनने वाला स्वीट की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आया है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।